वैक्सीन जो कोरोना संक्रमित होने के बावजूद भी व्यक्ति को डेंजर जोन से बचाती है, इसके लिए मैं जिले वासियों से अपील करता हूं कि वैक्सीन लगवाएं और अपने परिवार को भी लगवाना ना भूलें, जिसमें हम बहुत जल्द ही इस संकट से उभर पाएंगे। ये शब्द विदिशा के SP विनायक वर्मा ने कहे। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस के भी केस देखे जा रहे हैं, यह भी चिंता का विषय है, लेकिन सुरक्षा से ये जंग जीत जाएंगे। जिस तरह कोरोना से बचाव किया जा रहा है, ठीक उसी तरह ब्लैक फंगस से व्यक्ति बच जाएगा। पहले कोरोना हर उम्र के व्यक्तियों को हो रहा है, लेकिन इसकी दवाई भी सुरक्षित है। समय पर इलाज से सब कुछ अच्छा होगा। गंज बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। के चलते सर काफ़ी ज़्यादा एक ब्लैक फंगस वायरस फैल रहा है, उसके लिए जनता के लिए क्या कहेंगे? नमस्कार। पुलिस विभाग की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि कोरोना की महामारी के दौरान एक नया मुद्दा जो आया है वह ब्लैक फंगस का भी है, या म्यूकोर माइकोसिस का है। इसे कुछ इंस्टेंसेस आसपास में देखे गए हैं, और डेफिनेटली क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है उससे फंगस जल्दी कैच होता है, ऐसा बताया जा रहा है, इसके कारण है। अति आवश्यक है कि पब्लिक का हर व्यक्ति कोरोना संबंधी जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करे। उसके पालन करने में यदि वो अपने आप को कोरोना से बचा कर रख पाता है तो ऑलमोस्ट सभी परिस्थितियों में अपने आप को ब्लैक फंगस से भी सुरक्षित रख पाएगा। साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, और कोई भी इन्फेक्शन कोई भी आसार यदि दिखते हैं तो उसको लाइटली ना लिया जाए। यह भी चिंता का विषय है कि ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को टारगेट किया कर सकता है, लेकिन विशेष ध्यान डेफिनेटली बुज़ुर्ग लोगों का रखा जाए। साथ ही यंग लोग को यदि टारगेट करता है तो वो भी किसी भी तरह की लापरवाही ना करें और शीघ्र से शीघ्र मेडिकल इलाज का ढूंढने का प्रयास करें। सर, WHO द्वारा बताया जा रहा है कि तीसरी लहर काफ़ी तेज़ी से फैलने वाली है, इसके द्वारा विदिशा जिले के लिए आपके द्वारा उपाय क्या है प्रशासन की ओर से? प्रशासन द्वारा ऑलरेडी इस पर सर्वोच्च स्तर से लेकर जिला स्तर तक लगातार प्लानिंग की जा रही है। विशेषतः मेडिकल फैसिलिटीज़ को अप टू डेट रखना, वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराना, और पब्लिक में जो मास्क का इस्तेमाल और सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, यह इसके एक अहम स्तंभ है। इसकी एग्जैक्ट रूपरेखा प्रशासन द्वारा तैयार की जा रही है, और पुलिस से जो भी अपेक्षित सहयोगी रोल होगा हम जरूर अदा करेंगे। मैं स्वयं ही कहना चाहूँगा कि फ्रंटलाइन वर्कर होने के नाते पुलिस विभाग में सभी ने पहला और दूसरा डोज वैक्सीन का लगाया विदिशा में, और साथ ही साथ जो भी एज ब्रैकेट जैसे 45+ पहले अलाउ हो गया था तो उसमें कई पुलिस वालों ने अपने माता पिता और परिजनों का भी लगवाया है वैक्सीन। और डेफिनेटली कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है, वैक्सीन से लोगों का बचाव भी हुआ है। और मेरा निजी रूप से मानना है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हुए थे भले ही संक्रमित हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनका डेंजर लेवल उससे कहीं कम था जो बिना वैक्सीन थे उससे उसकी तुलना में। इसलिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, और जल्दी से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन करके मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जुड़े। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।